हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे गोभी 65, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। इसे आप एज अ स्टार्टर या इवनिंग स्नैक्स में भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। गोभी 65 बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को ब्लांच करेंगे। तो गैस पर एक पैन में 1 लीटर पानी डालेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक और पानी में बॉयल आने देंगे। पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो गया है। अब लेंगे 600 से 700 ग्राम गोभी, जिसे मैंने इस तरह छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। इसे पानी में डालेंगे और इसे सिर्फ 40-50% तक ही बॉयल करेंगे या फिर 2 से 3 मिनट तक, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे फूल हैं तो 1 से 2 मिनट काफ़ी हैं। अगर आप इसे बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो गोभी ज़्यादा गल जाएगी, जिसकी वजह से गोभी 65 अच्छी नहीं लगेगी। तो 2 से 2.5 मिनट हो गए हैं, इन्हें एक स्ट्रेनर में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रखेंगे। जब तक गोभी ठंडी हो रही है तब तक इसका बैटर तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल में डालेंगे 1/2 कप मैदा, 1/2 कप चावल का आटा, 1/4 कप कॉर्नफ्लावर, 1 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, इससे कलर अच्छा आएगा, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून ऑयल। ऑयल डालने से बाइंडिंग अच्छी आएगी। और अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बैटर बनाएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा थिक और ना ही बहुत ज़्यादा रनी। इतना बैटर बनाने में 1/2 कप प्लस 1/4 कप पानी, यानी 3/4 कप पानी यूज़ किया है मैंने। इस कंसिस्टेंसी का बैटर बनाएंगे। गोभी भी ठंडी हो गई है, अब इसमें गोभी डालेंगे और इस तरह मिक्स करते हुए बैटर को गोभी में कोट कर देंगे। और अब इसे 5 मिनट के लिए सेट होने के लिए रखेंगे, या फिर जब तक ऑयल गर्म होगा तब तक के लिए। कढ़ाई में ऑयल गर्म करेंगे, ऑयल तेज़ गर्म होना चाहिए। जब एक बार ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम मीडियम करेंगे और एक एक करते हुए गोभी डालेंगे। एक बार में बहुत ज़्यादा गोभी ना डालें, नहीं तो वो एक दूसरे से चिपकने लगेंगी। गोभी डालने के 10 से 15 सेकेंड के बाद ही चलाएंगे। और अब लो टू मीडियम फ्लेम पर गोभी के गोल्डन कलर आने तक और गोभी के अंदर से पकने तक फ्राई कर लेंगे। गैस की फ्लेम अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहें। अगर ऑयल ज़्यादा तेज़ गर्म हो तो गैस की फ्लेम लो कर दें। बेसिकली गोभी अंदर से कच्ची नहीं रहनी चाहिए। ये गोल्डन कलर की हो गई है, इन्हें निकाल लेते हैं। इसी तरह दूसरे बैच की गोभी भी फ्राई कर लेंगे। ये भी हो गई है और इसमें 3 से 4 हरी मिर्च बीच में से स्लिट करके या हल्का हल्का कट करके डालेंगे, नहीं तो ये फट जाएंगी। और साथ ही डालेंगे 10 से 15 करी पत्ते, इससे फ्लेवर अच्छा आएगा। और अब इन्हें निकाल लेते हैं। आप चाहें तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन इसे और ज़्यादा क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसे एक बार और फ्राई करेंगे। तो गैस की फ्लेम हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इसे दोबारा फ्राई करेंगे, लेकिन सिर्फ 30-45 सेकेंड के लिए। इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो ये जल जाएंगी। तो 30-45 सेकेंड्स हो गए हैं, इन्हें निकाल लेते हैं। हमारी गोभी 65 तैयार है। इसका टेस्ट और इन्हेंस करने के लिए इसे कुछ सॉसेस में कोट करेंगे। और अब एक पैन गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल। जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम लो करेंगे और डालेंगे 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 2 टेबलस्पून चिली सॉस, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टीस्पून सोया सॉस और मिक्स करेंगे और ऐड करेंगे फ्राई की हुई गोभी। और अब इन्हें सॉसेस के साथ अच्छे से कोट कर देंगे। हमारे गोभी 65 विद सॉसेस तैयार हैं। गैस की फ्लेम बंद करेंगे और इसकी प्लेटिंग करेंगे। इसे आप स्नैक्स या स्टार्टर में खाएं, चाय के साथ या सॉस के साथ, बहुत टेस्टी लगते हैं। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप इसे बनाएं और इन्जॉय करें।